पैदा होन वो सारा काम मैं दो तरफ लाई होंगी पक्त बार बना ये सारी जिम्मेवारी है ये भी गल नहीं करने जरूर आऊंगा ये कोई केस भी लगा काम होगा तो दुध की प्रोडक्शन करना सारा काम होगा तो रेट अपनी मर्जी का लगे जो पास शब्दों में अगर कोई गल मेरे बाद गलत कोई गई हो लाए थे अपने ऑफिसर जो भी आए थे चेक अप नहीं किया भी स्वागत है इस मंच से जो मैं नहीं ना ले सकता जो मैं नहीं ना ले सकता वहाँ वो माफी तो इन्नी जय हिंद जय भारत जय जवान जय जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर मंच पर आए फार्मर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन जम्मू कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन मैं कुलभूषण खजूरिया जम्मू कश्मीर डेयरी एसोसिएशन कार्यवाहक अध्यक्ष और हमारे बड़े भाई अजीत राज चौधरी जी ये चेयरमैन जम्मू व कश्मीर डेयरी फार्मर एसोसिएशन के हमारे उपाध्यक्ष ये जिला अधिकारी हमारे उपाध्यक्ष हैं कोषाध्यक्ष हैं जनरल सेक्रेटरी अरुण जी और सारे पदाधिकारी हमारे यहाँ पे थे। आज हम कम से कम 200 लोग यहाँ पे डेयरी फार्मर जम्मू प्रोविंस से थे यहाँ पे और कश्मीर से हमारे लाइव कुछ लोग जो हैं वो जुड़े हुए थे। हमने ये फार्मेशन की है जो कार्यवाहक कमेटी हमारी चौधरी साहब की अध्यक्षता में हुई है। आज का एजेंडा हमारा एक तो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी थी जो पूरी प्रदेश में इसका विस्तार होगा और जो भी डेयरी फार्मर्स की परेशानियां हैं इसको कैसे आगे ले जाना है और डेयरी सेक्टर को अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर करनी है ये सारी चर्चाएँ हुई। इस पर हर आदमी ने अपनी बात रखी यहाँ पर और आज का मुख्य एजेंडा जो है इस वक्त क्राइसिस हो गया है तूड़ी का जो कि पंजाब गवर्नमेंट और हरियाणा गवर्नमेंट ने उस पर बैन कर दिया है कि हमारी प्रदेश की तूड़ी जो है जो भोज इसको बोलते हैं जानवरों का मुख्य खाना होता है वो बैन कर दिया कि हमारी रियासत से बाहर नहीं जाएगा। अगर वो बाहर हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं आएगा तो यहाँ पर बिल्कुल तूड़ी नहीं मिलेगी और हमारे पशु जो है भूखे मर जाएंगे। तो हम आपके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि एक तो एलजी साहब जो हैं वो सीधा दोनों मुख्यमंत्रियों से बात करें कि हम सारे पशु जो है इंडक्शन होती है जो सारे पंजाब और हरियाणा से लाते हैं और करोड़ों रुपया जो है पंजाब सरकार को हरियाणा लोगों को बटाते हैं उसका, तो आज अगर उन पशुओं के लिए तूड़ी वहाँ से लानी है तो उसके लिए बैन क्यों? वो बैन तुरंत हटना चाहिए और तूड़ी को बिल्कुल हैसल फ्री जैसे पहले आती थी वो आनी चाहिए और हमारे जितने भी डेयरी फार्मर्स हैं वो चलो भले थोड़ी महंगी हो जाएगी लेकिन जो हाहाकार मची हुई है कि तूड़ी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी हमारे पशु भूखे मर जाएंगे उस पर राहत मिलेगी। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये है कि पिछले साल से लेकर के जो 2021 से लेकर आज 22 मई है इसमें जो अंतर आया हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट डबल रेट हो गया। मैं उदाहरण दूंगा तूड़ी का 5 रुपये था इस वक्त 12 रुपये हो गया, साइलेज का 5 रुपये था 10 रुपये हो गया, जो ये फीड एंड फाडर थे सभी लगभग 1.5 गुना 2 गुना बढ़ गए और हमारे दूध का रेट 2 साल पिछले से कोई सरकार ने नहीं बढ़ाया। जो कमेटी होती थी एक दूध के रेट बढ़ाने की वो रेट नहीं बढ़ा। हम आज आपके माध्यम से